ये है ब्रेक बूस्टर। और अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक बूस्टर कहीं खराब हो जाए तो आपका ब्रेक पेडल इतना हार्ड हो जाएगा कि आप उसको पैर से नहीं दबा पाएंगे। उसको दबाने के लिए आपको ब्रेक पेडल के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो दब पाएगा और आपकी गाड़ी के ब्रेक लग पाएंगे। ये आपको कहाँ पे मिल जाता है? ये आपको हर गाड़ी में लगभग, जैसे ही आप गाड़ी का बोनट खोलेंगे तो ब्रेक पैडल जहाँ पे होता है ड्राइवर साइड में, वहीं पे ये लगा होता है। देखने में ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। और इसका काम क्या होता है, कितना वाइड रोल होता है, वो ये होता है कि आप इसकी सहायता से आसानी से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा पाएंगे। ये ब्रेक बूस्टर कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे ये ब्रेकिंग को इतना ईजी बना देता है, इतना आसान बना देता है, वही आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्रेक बूस्टर में क्या क्या चीज़ें दी होती है और कैसे वो काम करता है। तो पहले बाहर से अगर हम देखें तो इस साइड में ये वाला जो कनेक्शन है ये दिया होता है वैक्यूम के लिए। डीजल इंजन में वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम बनाया जाता है, और अगर पेट्रोल इंजन है तो वहाँ पर इंजन के सिलेंडर के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है वहीं से टैपिंग इसको दे दी जाती है। दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो ये चार बोल्ट दिए होते हैं, ये अटैच करने के लिए होते हैं, बॉडी में ये अटैच करने के लिए चारों बोल्ट हैं। इधर देखिएगा तो इधर में यहाँ पे आपका ये जो ब्रेक पैडल है वो यहाँ पे आके जुड़ता है। मास्टर सिलेंडर के बारे में फिर कभी बात करेंगे, ये मास्टर सिलेंडर इस तरह से होता है आपका। इसको भी कभी फिर किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। बस जान लीजिए कि यहाँ पे मास्टर सिलेंडर होता है, और ये वाली जो चीज़ होती है, इसकी जो पिन होती है, वो आके ऐसे मास्टर सिलेंडर के तो पिस्टन होता है उसको पुश करती है, ऐसे उसको धकेलती है। जब इधर से आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ये ऐसे आता है, ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे परमानेंट इसको लॉक करके रखते हैं, ऐसे करके दबा दिया जाता है, डी शेप हो जाता है। तो जब आप खोलेंगे तो अगली बार वो सीधा नहीं होगा, शेप में नहीं आएगा और टूट भी जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं, एक बार दबाने से ये यहाँ से टूट गया। आप दूसरी बार, तो अगर इसको एक बार खोल के दूसरी बार लगाओगे भी, अगली बार आपको यहाँ की बजाय यहाँ 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 ऐसे कट देने पड़ेंगे जगह। इसलिए बूस्टर वगैरह या तो रिपेयर ही नहीं कराते, और रिपेयर कराते हैं तो एक आध बार ही रिपेयर हो पाते हैं, उससे ज़्यादा रिपेयर हो भी जाते हैं तो चलते नहीं, क्योंकि लीकेज हो जाता है। फिर इसका लॉकिंग मैकेनिज्म ऐसे ही है। तो इस तरह से आप इनको खोल के इसको निकाल सकते हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ये एक स्प्रिंग होता है, एक चैम्बर इसका इधर होता है ये, और दूसरा चैम्बर इसका इधर होता है ये। तो ये पहले तो इसी में देख लीजिए आप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बूट कवर है जो धूल मिट्टी से बचाने वाला था, ये है, और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। इसमें मेनली समझने वाली बात ये है कि इसमें दो कमरे होते हैं, एक कमरा ये ढक्कन के साथ में जाओगे तो एक कमरा आपका ये बन गया इधर, और दूसरा कमरा एक इधर बन गया ये वाला। समझने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी है, इस वाले कमरे को जो है हम कहेंगे प्रेशर वाला कमरा, इस वाले कमरे को हम कहेंगे वैक्यूम वाला, वैक्यूम मतलब खिंचाव वाला कमरा। अब ये काम कैसे करता है, तो जो वैक्यूम वाला जो कमरा है, ये वाला जो चैम्बर है, इस वाले चैम्बर में हमेशा वैक्यूम बना रहता है। पंप का कनेक्शन दे देते हैं, वो हमेशा यहाँ पर वैक्यूम बना के रखता है। तो जैसे ही आप यहाँ से ब्रेक पैडल को दबाते हैं, इधर से जैसे ही आप इधर दबाएंगे तो वाल आगे चली जाएगी। तो वाल जैसे ही आगे जाएगी तो इस जो होल है, छेद है, इसके सामने से वाल हट जाएगी। तो यहाँ से जो आपका हवा का प्रेशर आया, वातावरण में जो हवा है उसी का प्रेशर, वातावरण की जो हवा है वो जब यहाँ पर आएगी एटमोसफेयर प्रेशर, तो वो प्रेशर लगाएगी यहाँ पर इसके ऊपर, प्रेशर इसमें प्रेशर बन जाएगा इधर, और इधर बना है वैक्यूम, तो इधर प्रेशर हो जाएगा, इधर वैक्यूम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पूरी पूरी चीज़ ऐसे अंदर चलेगी, ऐसे की साइड में, अंदर साइड में चलेगी। तो अंदर साइड में चलेगी तो अंदर क्या होगा, जब ये यहाँ पे थी अभी इधर चली गई तो क्या करेगी, ये ऐसे जाके और इसको दबाएगी, इसमें जो पिन है, ये पूरी की पूरी असेंबली यहाँ पर जुड़ती है इसमें मास्टर सिलेंडर में, तो ये इसको ऐसे दबा देगी, ऐसे दबाएगी तो प्रेशर से जो फ्लूड है वो आगे चला जाएगा। जो ब्रेक पैडल का काम है वो सिर्फ इतना ही होता है, इसको पूरे दबाने का काम नहीं होता, वो सिर्फ इतना होता है जितना कि ये देखिए इस वाल को हम दबा पाएँ, जितना कि इस वाल में प्रेशर लगता है। इस वाल में कितना प्रेशर लगता है, इस स्प्रिंग को आप जितना दबाने के लिए प्रेशर चाहिए उतना ही प्रेशर से बस आपको पैडल दबाना होता है। जैसे ही ये स्प्रिंग दब जाएगा, आप दबा के रखेंगे तो ऐसे ही प्रेशर यहाँ आ जाएगा। आगे का काम, पूरा का पूरा काम जो है वो वैक्यूम और एयर प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है और वैक्यूम का प्रेशर है वो करेगा। आपका काम सिर्फ इस स्प्रिंग को दबा के और इस वाल को खोलना है, ब्रेक का काम, ब्रेक पैडल का, इसलिए ब्रेक इजी हो जाता है। अब
अच्छा, जब एक बार ब्रेक लग जाता है उसके बाद वापस आने का काम जो है वो स्प्रिंग करता है। आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक पैडल लग गया, ये अंदर चला गई पूरी चीज़, अब वापस कैसे आएगा? वापस आने का जो काम है वो ये वाला स्प्रिंग करेगा। ये अब जैसे आपने ब्रेक पैडल से पैर हटाया तो ये वापस ऐसे आ जाएगा तुरंत। तो आगे इसमें क्या क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। ऊपर से आप ये रबड़ वाली जो चीज़ होती है इसको खींचेंगे तो ये अलग निकल जाएगी। ये देखिए अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया डायफ्राम। तो इस वाल को भी मैंने खोल लिया है, इसके एक एक पार्ट को अलग कर लिया है। तो चलिए जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ। तो इस साइड में इसकी ये पिन होती है जो कि मास्टर सिलेंडर को दबाती है, यह आराम से ऐसे खुल जाती है। इसके नीचे एक रबर की ये होती है, सीली कह सकते हैं आप इसको भी। ये एक तरह से जब ये वाल दबती है ऐसे तो दूसरी साइड से, दूसरे चैम्बर से इस चैम्बर में प्रेशर ना आए उसको ये रोकती है, उसको यहाँ ये सील कर देती है ऐसे। तो इसका ये काम हो गया। इस साइड में इसके यही होते हैं। दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो दूसरी साइड में इसका सबसे ऊपर यहाँ पे एक लॉक होता है जो कि इस बड़े वाले स्प्रिंग को रोक के रखता है। इसके बाद ये बड़े वाला स्प्रिंग होता है। बड़े वाले स्प्रिंग का काम ये होता है कि जैसे ही आप ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो उसको वापस लाने का काम ये वाला स्प्रिंग करता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इस वाले स्प्रिंग को बैठने के लिए कोई जगह चाहिए ना, सॉलिड जगह चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एक रिटेनर डाला हुआ है। ये लोहे का एक रिटेनर कह लीजिए, मेटल का ये एक डाला होता है, ये वाला, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर रबर की सील के ऊपर बैठता है, इसके ऊपर फिर ये ऐसे स्प्रिंग बैठता है, क्योंकि रबर की सील पर तो बैठ नहीं सकता ना डायरेक्ट, उसको दबा देगा, तो उसके लिए ये एक रिटेनर दे दिया। बात आती है इसके अंदर एक छोटा स्प्रिंग होता है नीचे। छोटे स्प्रिंग का काम ये होता है कि ब्रेक पैडल जैसे आपने दबाया उसको वापस लाने का काम, तो इसका काम होता है अब इस वाल को ऊपर लाने का। अब जो आपने दबा दिया, दबाने के बाद जो वैक्यूम से और प्रेशर के डिफरेंस से जो वापस आएगा वाल जो है, ये वाली जो वाल है, वैक्यूम और प्रेशर के डिफरेंस से जो ये वाला मूवमेंट देख रहे हैं आप, ये अंदर बाहर, ये वाले का काम करना होता है। इस वाले का जब ब्रेक लग जाते हैं, आप पैडल से पैर हटा लेते हैं तो वाल थोड़ी देर बाद आते हैं, वो लाने का काम होता है इस वाले बारीक वाले स्प्रिंग का। अब देखिए होता क्या है जब आप, और इसके नीचे यहाँ पे होती है ये कि रबड़ की सील, यही जो मेन सील होती है या वाल कह लीजिए इसको, यही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके इधर क्या रहता है, इस रबड़ के इधर में रहता है प्रेशर, हवा का प्रेशर जो हमारे वातावरण में रहते हैं, और इसके इधर दूसरे वाले चैम्बर में जो रहता है, इधर वाले चैम्बर में रहता है वैक्यूम। तो जब तक ये इसको ऐसे दबा के रखते हैं हवा के प्रेशर से, तब तक तो दोनों अलग अलग रहते हैं। ऐसे ही वाल खुलती है, ये मैंने कट भी बनाया है। देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, ये वाला जो मूवमेंट है बस इतना सा काम होता है, और इसको हवा को सील करने का जो यहाँ से जब आप इसको ऊपर उठता है, जब ये नीचे दबता है ऐसे, तो ऐसे जगह बनाता है, तो यहाँ से आपका ये एयर आपकी हवा प्रेशर वाली जो एयर है वो दूसरे चैम्बर में जाती है, जिसको हम प्रेशर चैम्बर भी कहते हैं, जिससे ये पूरे के पूरे असेंबली आगे की तरफ मूव करती है। तो इतना सा काम होता है। मेन रोल जो इसमें होता है वो इस वाल का होता है, इस सील का होता है। ये जो गैपिंग दी होती है ये किस लिए दी होती है, गैपिंग होती है, इधर रहता है हमारा वैक्यूम। तो ये सीधे के सीधे कहाँ काम कर रही है, ये इस वाल पर काम कर रही है। यहाँ पर अगर इधर भी प्रेशर हो जाएगा और इधर भी प्रेशर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये वाल आपके खुल सकती है। जबकि इधर अगर वैक्यूम रहेगा यहाँ पे तो इसको ये दबा के रखेगा सील को, इसलिए ये कैविटी यहाँ पे दी होती है। तो इस तरह से ये पूरा आपका ब्रेक बूस्टर काम करता है, और ऐसे आपके ब्रेकिंग को बहुत आसान कर देता है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।